डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व किस तरह से करते हैं? डिटरमिनेंट क्या है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, चाहे हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, किसी तरीके से डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स अभी आपने करा नहीं होगा, 12th क्लास में करोगे। तो देखिएगा, ये ऐसे होता है कि मॉडुलस का साइन बना देते हैं थोड़ा बड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं 1, 3, 8 कुछ भी, और 2, 4, 9 और 7, 5 और 6, ये हमने लिख लिया यहाँ पर ऐसे। मतलब ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टली नंबर्स को लिखना, इसको कहते हैं पहली रो, फिर दूसरा जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है इसको कहते हैं दूसरी रो, इसको बोलते हैं तीसरी रो, इसको बोलते हैं पहला कॉलम, इसको बोलते हैं दूसरा कॉलम, इसको बोलते हैं तीसरा कॉलम। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो पहले 3 एलिमेंट्स है ना, 1, 3 और 8, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 1, 3 और 8, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इनके ना साइन होते हैं प्लस माइनस और प्लस। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ ये कहाँ से आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, माइनर्स होते हैं, कोफैक्टर्स होते हैं, एडजॉइंट होता है, वो सब कुछ हमको नहीं निकालना। मैं इसका आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि इसका साइन होगा प्लस, इसका होगा माइनस, इसका होगा प्लस। फॉर एग्जाम्पल, ये पहले से मेरे को -3 दे रखा है, तो एक माइनस और लग जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे को -1 दे रखा है, तो बाहर प्लस का साइन लग जाएगा, तो फिर ये -1 ही रहेगा। ठीक, तो हमें याद रखना है कि ये जो पहले वाला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये प्लस माइनस और प्लस ऐसे होता है। ठीक, बस इतना याद रखिए। उसके बाद अब इसकी वैल्यू क्या होती है डिटरमिनेंट की? डिटरमिनेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है हमेशा। मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको देखो, जैसे ये 1 है ना, तो और इसका साइन क्या है? +1, तो +1 लिख दिया, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, और 1 किस कॉलम में लाई कर रहा है? फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, इसमें लाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचा? 4, 9, 5, 6, 4, 9, 5, 6। ठीक है, तो इसको आप फिर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो, ऐसे लिखना 4, 9, 5, 6, ये लिख लिया, पहले देख लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसको सॉल्व करने की। अगला एलिमेंट क्या है? 3 विद अ माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब आप क्या करोगे, -3 किस रो में है? पहली रो में, छोड़ दो इसको, और दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा? 2, 7, 9, 6। तो अब यहाँ पर दूसरा डिटरमिनेंट लगाकर लिखो 2, 7, 9 और 6, ये हो गया, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर तीसरा एलिमेंट ये क्या? +8, तो +8, फिर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये पहली रो में आ रहा है, पहली रो को छोड़ दो, तीसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरे कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 2, 7, 4, 5, तो लिख दो यहाँ पर 2, 7, 4, 5। हमें हमेशा जब हम लिखते हैं ना, हमें इंग्लिश लिखने की और हिंदी लिखने की आदत है, हिंदी और इंग्लिश लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, ये मैं रटने का तरीका बता रहा हूँ एक। ठीक है, कभी सोचोगे इंग्लिश से कहाँ इसको कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। जैसे आपको सिर्फ आपके मतलब का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया गया ना फिजिक्स में, तो ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही पूरा भरा पड़ा है 12th क्लास के मैथ्स में, तो आपको आपके मतलब का बताया जा रहा है, जितना 11th में काम आ जाए। तो इसलिए ही ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट से राइट, तो हम लेफ्ट से राइट ही चलेंगे, पहले हम ऊपर से नीचे गिरेंगे, फिर हम नीचे से ऊपर उठेंगे, लेकिन जाना लेफ्ट से राइट ही है, समझ रहे हो? पहले हम ऊपर से नीचे गिरेंगे, फिर नीचे से ऊपर उठेंगे, ऐसे करना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो गलती मत करना। हमें लेफ्ट से राइट ही जाना है, तो हम 4 से 6 तक जाएंगे, तो पहले हम गिरेंगे फिर हम उठेंगे, समझ गए? ऐसे यहाँ पर भी पहले गिरेंगे फिर उठेंगे, पहले गिरे और फिर उठे, समझ गए? तो क्या करना है, प्लस का 1 तो बाहर है ही, अब कर्ली ब्रैकेट लगाओ, 4, 6 जा 24, -9, 5 जा 45, -3, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, 2, 6 जा 12, -9, 7 जा 6,
प्लस 8, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, 2 5 10 माइनस 7 4 28। अब देखिए प्लस का 1 है, लिख दीजिए प्लस का 1, 24 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 24 कितना हो गया, 21, 21 माइनस का 21 माइनस 3, 12 माइनस 63, 63 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया, 51, हाँ माइनस का 51, प्लस का 8 और 10 माइनस 28 करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब देखिए 1 इंटू माइनस 21 हो गया माइनस 21, माइनस 3 इंटू माइनस 15 हो गया प्लस का 153, और 8 इंटू माइनस 18 क्या हो गया, माइनस का 144। माइनस माइनस वाले तो ऐड हो जाते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 और 4 5 और 2 और 4 6, माइनस 165 प्लस 153 कितना हो गया, माइनस 12। समझ गए कि नहीं, बस ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दोबारा बताता हूँ कि डिटरमिनेंट हमेशा उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, डिटरमिनेंट में हमेशा 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग दे रखी है दीज आर कॉल्ड रोज, ये जो वर्टिकल ग्रुपिंग्स दे रखी है दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, जैसा 10th क्लास में करके आए थे, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते थे, ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल को ग्रुप बोलते थे, वर्टिकल को क्या बोलते थे, पीरियड्स। ठीक है, तो हमने क्या करा था, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते थे, वर्टिकल को ग्रुप्स बोलते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रोज और वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब देखिएगा इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करो, यहाँ लिखेंगे प्लस का 1, इसकी कॉलम को छोड़ दो और इसकी रो को छोड़ दो, तो क्या बचा, 4 5 9 6, 4 5 9 6 ऐसे लिख दिया। फिर अगला है 3 विद अ माइनस साइन, तो माइनस 3, इसके कॉलम को छोड़ दो और इसके रो को छोड़ दो, तो 2 7 9 6, तो 2 7 9 6 ऐसे लिख दिया। फिर अगला है 8 विद अ प्लस साइन, तो प्लस का 8, तो इसके कॉलम को छोड़ दो और इसके रो को छोड़ दो, 2 7 4 5, 2 7 4 5। फिर हमें क्या करना है, हमारा जो इंडेंट है ना, इंडेंट मतलब हमारी डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट ही रहेगी, तो पहले हम नीचे ऊपर से नीचे गिरेंगे फिर नीचे से ऊपर उठेंगे। 4 6 24 माइनस 5 9 44, 2 6 12 माइनस 9 7 63, 2 5 10 माइनस 7 4 20। ठीक है, बस फिर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आप जानते ही हैं। ठीक है ना, अच्छा अब इसके बाद बस इतना आपके लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है कि जब किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकाला जाए, वो इस तरीके से निकाला जाए कि उसका रिजल्ट भी हमेशा वेक्टर ही है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर, इस वजह से कहा जाता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका रिजल्ट वेक्टर आता है। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक स्केलर टर्म आता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अब देखिएगा तो भाई डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से निकलेगी कि सोचिएगा दो वैक्टर्स हैं मेरे पास, मेरे पास दो वैक्टर्स हैं, एक वैक्टर ये है, ये वेक्टर, और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, या उल्टा सोचो आप, छोड़ो यानी, ठीक है चलिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये ऐसे ही है। अभी सिर्फ समझना है आपको, उसके बाद एक एक चीज नोट करवाऊंगा। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का आप कहोगे, 90 डिग्री का है तो ये क्या पागलों की तरह बना रहे हो, इसको सीधा बनाओ ना, जैसे 90 डिग्री होता है, ये क्या तरीका है, अभी बता रहा हूँ। ये ऐसे है कि 90 डिग्री ये कहाँ है, ये 90 डिग्री अंदर की तरफ है, ये 90 डिग्री अंदर की तरफ है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया है। तो आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए दो वैक्टर्स हैं, तो एक तो ऐसे है अंदर की तरफ और एक ऐसे है, तो जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी डायरेक्शन कैसे होती है, समझ, ये क्या बन गया, एल बन गया भाई, एक अंदर की तरफ है और एक ऐसे है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, यस सर, ऑनलाइन यस वालों को सर, समझ में आ रहा है, तो ये ऐसे एल बन गया। ठीक, एक वेक्टर अंदर की तरफ है और एक वेक्टर ऐसे, सोचो कि ज्वाइंट है और इसको ऐसे जैसे चाबी घुमाते हैं ना, इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दो, इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दीजिए, समझ गए। तो जब आप इसको घुमाना शुरू करेंगे तो
ये जो हमारा है, सोचिए कि ये एक स्क्रू है, सोचिए कि ये एक स्क्रू है, इसको अगर मैं इस तरीके से घुमाता चला जाऊंगा घुमाता चला जाऊंगा, तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। दो हमेशा और पूरे वर्ल्ड में यही रूल चलते हैं, जो स्क्रू हैं वो स्क्रू कुछ इस तरह से डिजाइन करे जाते हैं कि उसको आप वुड पर लगाओ, प्लास्टिक पर लगाओ या किसी दीवार में लगाओ, आप अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हो ना, वो अंदर ही जाएगा, और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हो तो वो बाहर ही निकल के आएगा। तो जो छोटा बच्चा होता है उसको भी नहीं सिखाया जाता कि जब आपको स्क्रू टाइट करना है तो उसको भी पता है कि उसका स्क्रू ऐसे ही टाइट होना है, किसी भी चीज़ का उसको आप ढीला करेंगे तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा कहीं नहीं चलता। ये सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अब जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात होती है तो एक वेक्टर ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहा जा रहा है तो भैया ए वेक्टर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ए वेक्टर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहा जा रहा है तो फिर बी वेक्टर को ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा। समझ रहे हैं? ये ऐसे है, इसको मैंने ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करा क्योंकि ये ए वेक्टर था। अब अगर बी वेक्टर की बात करी जाएगी तो बी वेक्टर को इस तरह से घुमाएंगे फिर आप, तो यानी कि फिर डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। समझ गए? आप कहोगे जी ये उल्टा कैसे है, याद रखना उल्टा ही होता है, उल्टा ही होता है। वेक्टर में जो हमने स्केलर प्रोडक्ट करा था वो तो कम्यूटेटिव था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, एक ही बात है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अलग रिजल्ट देगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अलग रिजल्ट देगा। समझ गए? दोनों के रिजल्ट उल्टे होते हैं। बिल्कुल, अगर ए क्रॉस बी है तो ए को घुमाते चले जाएंगे, कहाँ घूम के वो कहाँ चलता चला जाएगा, वो बी की डायरेक्शन में एंटर करता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो बी को घुमाएंगे, ठीक है बी को घुमाएंगे। अब ये जो चीज है, इस चीज को अभी मैं ओरली आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें नोट करवाऊंगा एक एक चीज। तो चलिए जी अब हेडिंग डालेंगे आप, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें नोट करेंगे, डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है और कई बार पूछ ली जाती है, इस वजह से नोट करवा रहा हूँ। The vector or cross product of two vectors the vector or cross product of two vectors the vector or cross product of two vectors is defined as the vector is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors, whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors. Is equal to the product of the magnitudes of two vectors and sine of the angle between them. Sine of the angle between them.
एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। And is given by right hand rule. मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है। अभी डेफिनेशन लिखिए इसको, एक एक चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या यहाँ पर दे रखा है, फिलहाल नोट करिए, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये है, तो हमेशा जो भी हमें वेक्टर दे रखे होते हैं, चाहे उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर्स के बीच में एक एंगल तो होता है ना, कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है ना। तो वो एंगल जैसे पहले हमने देखा था थीटा, ऐसे यहां पर भी थीटा ही है दोनों के बीच में, एंगल थीटा, ठीक है। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो स्केलर प्रोडक्ट में तो रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ स्केलर ही आ रहा था, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था, तो एक वैल्यू आ रही थी वहां पर रिजल्ट में, और कुछ नहीं आ रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, ठीक है। इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जा रहा था। लेकिन ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसमें तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो मैग्नीट्यूड आएगा और एक डायरेक्शन आएगी। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ये समझना है। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा कि जो ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर के पैरेलली मैंने क्या करा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, और बी वेक्टर से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो एरिया बन गया ना, ये जो एरिया बन गया, ये एरिया इसका मैग्नीट्यूड होगा। नोट करें, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन बनाकर ऊपर जीएम लिख देना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by A vector and B vector gives the magnitude of A vector cross B vector। A vector cross B vector का जो magnitude आएगा वो मुझे इस area से मिल जाएगा, वो area होगा, ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम इस डायग्राम को दूसरी तरीके से बनाकर देखते हैं। मान लीजिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो आपको जो पहले एग्जांपल दिया था वो तो बड़ा आसान सा एग्जांपल दिया था कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक। लेकिन अब 90 डिग्री का एंगल नहीं है, अब दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैंने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, दोनों वेक्टर्स की हेल्प से जो हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे, तो वहां पर एक पैरेललोग्राम तो बनता था ना, तो वो जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेना बस, वो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही हमको मैग्नीट्यूड दे देगा।
अब आप ये कहोगे सर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा, फिर मैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, हाइट कैसे निकालूंगा, वो सब मैं बता दूंगा आपको, उसका बहुत आसान शॉर्टकट है, ठीक है। वो सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, डिटर्मिनेंट बताया गया है ना, वो डिटर्मिनेंट ही आपका सारा काम कर देगा। अच्छा एक चीज सुनिए, मैंने एक चीज बताई थी, हालांकि लास्ट ईयर सिलेबस में से हट चुका था, मैं एक चीज बताया था आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में करा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल करा था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने बताया था ना, हाफ x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ही आता है, वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ही आता है। खैर अगले साल पढ़ोगे आप 12th में, छोड़ो उसको, ठीक। तो कोई भी मेरे को फिगर अगर दे रखी है ना, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, तो आप ये सोचिएगा अगर आपको डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आता है तो आपको किसी का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप सबका एरिया तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। खैर बट डिटर्मिनेंट यही होता है जो बताया आपको, ठीक। चलिए जी, अब देखो इसका आपने मैग्नीट्यूड बनाकर दिखा दिया फिर से, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, पूरा जो एरिया है, तो ये एरिया ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ये बुक है ना मेरे पास, जैसे ये बुक है तो बुक इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो इसमें ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, मान लीजिए ये तो बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये पूरा एरिया इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, इस एरिया पर जो परपेंडिकुलर जा रहा होगा ऊपर की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो एरिया बन गया, इस एरिया पर ऊपर की तरफ जो जा रहा है, दैट विल बी द डायरेक्शन, तो ये एक नई डायरेक्शन है, हमने कहा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो होती है उसको आई कैप बोल देते हैं, वाई एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर उसको जे कैप बोल देते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप बोल देते हैं, तो ये तो एक नई डायरेक्शन बन गई, तो इसलिए इसको बिल्कुल अलग एक हमने एन कैप बोल दिया, एन कैप, एन इज फॉर नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अच्छा ये याद है ना सभी को, नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, ऑल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो, ये सारी की सारी चीज परपेंडिकुलर की ही होती है, सबके उसी के सिनोनिम है, ठीक। बताइए बेटा ऑनलाइन वालों को, सभी को क्लियर है अभी तक, यस सर, यस सर, ठीक है। यस ऑनलाइन आस्था दिवस आप तीनों सर, बताए, यस ठीक यस सर, है आगे चलता हूं मैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, वेक्टर और मैथमेटिकली वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। निकालने के दो तीन तरीके होंगे, एक तरीका ये है कि आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, और उनके बीच में जो एंगल दे रखा है उसका साइन निकाल लो, साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इस चीज पर आ रहा हूँ जो डेफिनेशन में लिखवाया, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो ये ए बी साइन थीटा के बारे में इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी गई है, समझ रहे हैं क्या लिखा है, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि ए और बी, ए हो गया पहले वेक्टर का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, बी हो गया दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए बी का मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। ये जो प्लेन बना है ना, ये जो प्लेन बना है, ये जो एरिया बना है, इस पर नॉर्मल, इस पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल वही है कि दो तरीके से इसको समझा जा सकता है, एक तो ये है कि अगर कोई भी डायरेक्शन ऐसे है किसी भी वेक्टर की, तो उसको वेक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, वेक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, हमारी जो फिंगर का स्वेल है ना वो बताएगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए अभी एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए, सर ये राइट हैंड रूल समझ नहीं आया।
बता रहा हूँ भी, समझाया ही कहाँ है। देखो ये वेक्टर, दिवस आ क्यों नहीं रहे हो तुम आजकल? सर आ जाऊंगा सर कल से, मतलब हाँ कल आ जाऊंगा। आ जाना, मैंने तो बोला भी था, बीच में 2 4 दिन आए भी थे, फिर आना बंद कर दिया। अब ऐसा है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए को बी की तरफ घुमाऊंगा, ऐसे 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 करके घुमाऊंगा, ठीक। तो मैंने जो आपको पहले समझाया था वो था स्क्रू रूल, चाहे तो स्क्रू रूल हो और चाहे फिर राइट हैंड थंब रूल हो, दोनों चीज बताता हूँ, उससे क्या समझ में आएगा। देखो मान लीजिए कि ये जो दोनों का ना इनिशियल पॉइंट है, उस पर मान लो कि ग्रूव है, ग्रूव ऑफ द स्क्रू, तो अगर ए को बी की तरफ घुमाएंगे तो ऑब्वियसली आप ये सोचो कि अगर मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो मैं कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है घड़ी, है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूँ तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाता चला जाएगा, समझ गए, ठीक। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहा हूँ तो बी को ए की तरफ घुमा रहा हूँ, यानी कि मैं स्क्रू को ढीला कर रहा हूँ, मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, तो स्क्रू धीरे 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 बाहर निकलता हुआ आ जाएगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दिस फिगर इज कॉल्ड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल समझाया जाता है बच्चों को ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो अलग डायरेक्शन है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तबीयत ठीक है तुम्हारी, आंखें लाल हो रही हैं। चलिए अगला देखता हूँ, क्या हो गया, स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया क्या आजकल? ध्यान रखें भाई सभी बच्चे, आजकल आंखों में बड़ी दिक्कत होती है, मेरे को भी जलन होने लगती है, रात तक जाते जाते आंखों में जलन होने लगती है। अच्छा हाँ वही, ज्यादा पढ़ाई नहीं, ये ना बहुत हार्मफुल इसमें से रेडिएशन था। हाँ पढ़ाई इन्हीं से हो रही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उसको ज्यादा हम देखते रहेंगे देखते रहेंगे, हम चश्मा लगा नहीं सकते, मैं तो नहीं लगा सकता, आप लगा सकते भाई, अगर आप घर पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो वो चश्मा होता है ना, वो कौन सा, वो ब्लू कट, कौन सा, एक नया ब्लू कट वाला, एक नए लेंसेज आ रहे हैं, तो अच्छा उससे ये होता है कि जितनी भी अल्ट्रा वायलेट, वो अल्ट्रा वायलेट तो नहीं है, इसमें कौन सी होती है रेडिएशंस, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन सी रेडिएशंस होती हैं इसमें से बड़ी खतरनाक, वो रेडिएशंस आंखों को धीरे 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 ना ड्राई करने लगती हैं, तो आंखों में जलन होने लगती है, मन करता है बार बार आंखों को बंद करो, और फिर आंखें बंद होती है तो फिर आ जाती है नींद, फिर पेरेंट्स कहते हैं कि तुझे तो नींद ही आती रहती है, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। तो मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं मास्क पर वो लगा लूंगा तो वो उस पर बार बार भाप जमता जाता होगा, तुम्हें पता है ना भाप जम जाता है, तुम्हें भी पता होगा, तो कुछ ऐसा होता है कि हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी वो निकलती है, वो चश्मे पर जाकर जमा होने लगती है, तो दिखाई नहीं देता आगे कुछ। लेकिन आप लोग ध्यान रहे कि अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है ना स्कूल की क्लासेस की वजह से, तो एक वो ब्लू कट वाला वो चश्मा बनवा लो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है फिर आंखों में। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ये, देवस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वो तो दूसरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो कोई बच ही नहीं सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो अभी भी है, वो उधर वाईफाई मॉडम लगा हुआ है, वहां से यहाँ तक जो है वो रेडिएशन ही आ रही है, तो वो रेडिएशन मेरे आर पार भी निकल रही है, आपके आर पार भी निकल रही है, उससे तो हम बच ही नहीं सकते, तो वो तो है ही, इसमें से कुछ निकलती है रेज, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम भूल रहा हूँ, मतलब जो इसकी स्क्रीन है ना, इसकी स्क्रीन पर सर कुछ ना इंफ्रारेड कुछ, तो नहीं बोल रहे आप? अरे नहीं रे इंफ्रारेड तो जला देगी मेरे को, क्या बात कर रहे हो, इंफ्रारेड कहाँ पहुंच गया दिवस, हद है, इंफ्रारेड रेज ये देखो वो होता है ना, वो
ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बताया तो था वो विबग्योर वाला क्या था, उसमें बताया था ना कि वो रेड जो है वो सबसे ज्यादा ब्राइट क्यों नजर आता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो डेविएशन सबसे कम होता है। ठीक, तो वो जो था प्रिज्म वाले में था ना डिस्पर्जन, है ना, तो वो यही बताता है कि जो रेड है रेड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से जो इंफ्रा रेड रेज हैं वो खतरनाक हैं बॉडी के लिए, समझ रहे हो। चलिए जी आगे चलते हैं। स्क्रू रूल है एक तरह से, तो ये स्क्रू रूल मुझे ज्यादा कंफर्टेबल, मैं स्क्रू रूल में रहता हूँ। और बाकी अगर आप देखें कि राइट हैंड रूल कौन सा होता है, राइट हैंड रूल ये वाला होता है, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो मतलब हम ए को बी की तरफ घुमा रहे हैं, तो हमें अपनी जो फिंगर्स हैं हमें इसको हाथ को ऐसे बनाना है और थंब को ऐसे खोल लेना है, वो थंब सब की तरह जैसे होता है, तो फिंगर्स जो हैं फिंगर्स को ऐसे स्वेल्ड करिए इस तरह से, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ जा रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो रहा है, नहीं समझे। हमें फिंगर्स को ऐसे घुमाना है इस तरीके से, किस डायरेक्शन में घुमाना है, जहां पर जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो ए बी की तरफ जाएगा, तो ए बी की तरफ ऐसे ही तो जाएगा, तो मेरी फिंगर्स ऐसे रहेंगी, ठीक है, तो अगर फिंगर्स ऐसे रहेंगी तो थंब का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अगर बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ घुमाना है तो फिंगर का स्वेल्ड ऐसे तो नहीं कर सकते, तो बी ए की तरफ आ रहा है मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है, तो फिंगर्स का स्वेल्ड ऐसे तो थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ये इस तरीके से होता है। मतलब आप सोचिए कि आपने इस वाली लाइन को ऐसे पकड़ रखा है, ये आपकी फिंगर्स हैं, हाथ बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बनाने की। ठीक सही है। चलिए जी, तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप ये देखो कि अगर मुझे बी वेक्टर को ए की तरफ घुमाना है तो मुझे हाथ को ऐसे करना पड़ेगा ताकि बी ए की तरफ ऐसे घूमे, ऐसे बी ए की तरफ घूमे इस तरीके से, तो तब हमारा थंब का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो ये मुझे फालतू का लगता है ये वाला, अगर आपसे कोई पूछे ना स्क्रू रूल बता देना, ज्यादा बेटर यही है कि डायरेक्शन कैसे पता चल बता करी जाती है, तो स्क्रू रूल बता देना। तो इसमें बार बार वो पेपर भी होता है ना 11th क्लास का, तो बच्चे ऐसे ऐसे बैठ के हाथ ही घुमाते रहते हैं, तो स्क्रू ज्यादा अच्छा है। हाँ चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा, फिर नोट करें बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसे स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज करी थी, ऐसी वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो पहला होता है वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है बेटा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मतलब अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल नॉर्थ है, तो उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन यानी कि साउथ में जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव से बोल देंगे ना, कि अगर मान लीजिए मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ आगे से
मतलब पीछे से आगे की तरफ अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका उल्टा क्या होगा, आगे से पीछे की तरफ, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो उसको जस्ट अपोजिट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड देखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन कैसे, कि हम ऐसे करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बीच का प्लस साइन एज इट इज रहेगा, प्लस साइन तो एज इट इज, और इधर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब एडिशन एज इट इज रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए हो गया बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट, फिर हो गया सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी फॉलो करता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल। सर हाँ जी बताइए, बोलो। सर जो वो वेक्टर इनटू वेक्टर बी AB साइन थीटा और जो एन है वो एन डिटरमिन एन कैप है, डिटरमिनेंट की अभी मैंने बात नहीं बताई, बस डिटरमिनेंट आपको बताया कि कैसे सॉल्व होता है। डिटरमिनेंट से वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करना एक शॉर्टकट मेथड में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखें कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो वो हो जाता है ए बी साइन थीटा, और ये जो एन कैप है, एन कैप इस प्रोडक्ट का जो आउटपुट आ रहा है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का जो आउटपुट आ रहा है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन कैप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन इज फॉर नॉर्मल एंड कैप इज फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, समझ गए। ओके उसके बाद आप ये देखो कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं उनके बीच में एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं, उनके बीच में कोई एंगल तो बनेगा ही नहीं, थीटा बनेगा। एंटी पैरेलल मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों को अगर ज्वाइन भी कर दूं तो एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा कि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये दो वैल्यूज याद रखना, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर है, अगर पैरेलल है तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 0, एन कैप यानी कि क्या हो गया, ये 0 वेक्टर आएगा। जीरो सिर्फ जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो के ऊपर एरो बनाओगे, जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि अब रिजल्ट में जीरो जो आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है, क्योंकि अब वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा, उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। या फिर अगर ए बी साइन 180 होगा, एन कैप, तो साइन 180 भी आपका जीरो ही होता है, तब तो भी आपका जीरो वेक्टर ही आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, इज, इधर नीचे लिख रहा हूं, इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर यही होता है जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको नल वेक्टर बोलते हैं। अगला देखिएगा, द
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, फोर्थ the magnitude of the vector product of two mutually perpendicular vectors of two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitudes. Is equal to the product of their magnitudes. अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है तो इसको मैं लिखता हूं a b साइन थीटा एंड कैप, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपने मॉडुलस का साइन लगा दिया, और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो डायरेक्शन गायब कर दिया, तो एन कैप हटा दो बस, ये भी साइन थीटा रह गया. ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, ये भी साइन थीटा. और अगर वो जो एंगल है वो 90 डिग्री है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तभी तो कहा जा रहा है ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो फिर हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो ए बी साइन 90 और साइन 90 क्या होता है 1, तो ये ए इंटू बी के बराबर आ गया. ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए वो भी तब जब दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो वो सीधा सीधा ए इंटू बी के इक्वल होता है. आप पहले वेक्टर का नहीं समझे, आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो. मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन नहीं, ठीक. तो आपने क्या करा, ए वेक्टर है, आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आपने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है. क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है ना. म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अगर वेक्टर्स, तो अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उनके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएंगे, समझ गए, ठीक है. उसके बाद देखिएगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, अभी इन सबका एप्लीकेशन भी आएगा, समझ जाएंगे आप और अच्छे से. फोर्थ है और फिफ्थ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. बेटा ऑर्थोगोनल का मतलब भी वही होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अब इसमें एक चीज याद रखनी है. पहले तो मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक तरीका बताऊंगा उसको याद रखने का. सर अगर वेक्टर दो से ज्यादा हो तो रूल सब भी फॉलो होता है ना? सारे रूल फॉलो होंगे. आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हो गया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. आई कैप क्रॉस जे कैप ये हो जाएगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप ये हो जाएगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप ये हो जाएगा जे कैप. अगर इनका आपने जो पैटर्न है, इनका जो सीक्वेंस है वो अगर बदल दिया, आई क्रॉस जे को अगर आपने जे क्रॉस आई कर दिया तो आप जानते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है. तो अगर मान लीजिए आपने इसको जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया तो ये माइनस के कैप बन जाएगा,
ऐसे ही अगर जे और के है, अगर आपने इसको बदल के और जे कर दिया, के क्रॉस जे कर दिया, ये माइनस आई कैप बन जाएगा। और अगर इसको बदल के आपने आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया, तो ये माइनस का जे कैप बन जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे करना है इसको। एक चीज और लिखेंगे पहले, कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए, सेम यूनिट वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आई कैप क्रॉस आई कैप है, ये भी जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप है, ये भी जीरो, और के कैप क्रॉस के कैप है, ये भी जीरो। जीरो क्यों होगा, हाई कैप और आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, तो आप एक्स की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को एक्स की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल तो जीरो ही हो गया ना, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो वो पूरा का पूरा जीरो। ऐसे ये भी जीरो, ऐसे ये भी जीरो। उसके बाद में क्या करूंगा, इसको याद रखने का तरीका देखते हैं। एक ना सर्कल बना लेते हैं, ऐसे कर लो आई कैप यहां लिखो जे कैप, और फिर यहां लिखो के कैप। और इधर भी लगा दो बीच में क्रॉस का साइन, इधर भी क्रॉस का साइन, और इधर भी क्रॉस का साइन। आई का जे के साथ क्रॉस करूंगा तो के आएगा, जे का के साथ क्रॉस करूंगा तो आई आएगा, के का आई के साथ क्रॉस करूंगा तो जे आएगा। आई इंटू जे तो के आ गया, जे इंटू के तो आई आ गया, के इंटू आई तो जे आ गया। बस ये सीक्वेंस है भाई, ए बी सी है ना, या आई जे के है, तो आई जे के बाद के ही आएगा, जे के बाद वापस लूप कंप्लीट होगा, जे के बाद वापस आई आएगा, के आई के बाद वापस जे आएगा। इस तरह से याद रखिए बस इसको। और अगर पैटर्न हमने पलट दिया तो माइनस 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 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसके बाद इतना ही करिए, डिटरमिनेंट जो आपको बताया उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत आसानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट क्लास में वो करवाता हूँ। और नेक्स्ट क्लास के लिए ना आप लोग प्रिपेयर रहना, मैं संडे को फर्स्ट हाफ में आपकी नेक्स्ट क्लास ले सकता हूँ, संडे को फर्स्ट हाफ में, ठीक है, फिजिक्स की क्लास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी।